हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कैसे हम अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं, बालों को काला करने का तरीका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगने वाली है। और अच्छी लग जाए तो इसी बात पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड कलर का, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसे वॉच कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ जानकारी चाहते हैं या कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ जो मैं इंग्रेडिएंट्स की सारी डिटेल दे दूँगी। और ये ज़्यादातर जो आपको परचेस करना चाहेंगे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर आप जाके इसे जो है परचेस कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से आपको मिल जाएगा। अब जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि मैम हमें ना ब्राउन कत्था मिल रहा है, ब्लैक कत्था नहीं मिल रहा, तो आप जैसे मैंने अभी काफ़ी सारी वीडियोज़ में जो है कत्था का प्रयोग करके दिखाया है, तो आपको क्या करना है कि ब्राउन कत्था भी लेते हैं। अगर आप रोस्ट करना चाहते हैं हल्का सा आयरन की कढ़ाई में, जो है लोहे की कढ़ाई जिसे कहा जाता है, उसमें हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद आप उसे देन मेहंदी में या अपने जो भी आप पैक बनाते हैं, हेयर पैक बनाते हैं, उसमें ट्राई करिए। उसमें एक से आधा चम्मच डालिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसमें लगाने के बाद देखिएगा कि जब आप उसको 5 से 10 मिनट उसको रेस्ट दे देंगे, तब उसके बाद आप अपने बालों पर लगाएंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। बाल सिल्की एंड सॉफ्ट भी होगा। कितने ही चाहे समर्स आ जाए, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे आपको गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, कोई से भी सीजन में आपके बाल जो सिल्की एंड स्मूथ भी होंगे और साथ के साथ आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये पूरी फुल वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ इसी बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ कैसे हम जो है अपने सैनिटरी पैड से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम इरिटेशन से और डिस्कम्फर्ट जो हम लोगों को होता है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और आज मैं बताने वाली हूँ एवर्टीन मेंशियल कप के बारे में। तो जैसे आप लोग मेरे हाथ में देख ही रहे होंगे, तो चलिए इसको जो है डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगने वाली है। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवर्टीन मेंशियल कप के बारे में, ये 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन है। 10 ईयर्स तक आप इसे रियूजेबल यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों को पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करने का मतलब होता है यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप लोगों को 2-3 बार जो टाइम पे जो पूरे दिन में जो है पैड चेंज करते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है और आप लोग जो है अब डिस्कम्फर्ट और जो आप लोगों को जो है बार बार जो इरिटेशन होती है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसे यूज़ करने का तरीका तो आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप चेकआउट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। देखिए फ्रेंड, आज जो मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ कैसे हम अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं, बालों को काला करने का तरीका। वैसे आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि किस तरीके से हम अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं, किस तरीके से हमने इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ ऐड करें। देखिए, सबसे पहले हम जो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ले रहे हैं, आयरन की कढ़ाई जिसे कहते हैं, जो हमारे बालों में जो हम मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाने का प्रोसेस क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो है पहले के लोग भी क्या होता था, लोहे की कढ़ाई के अंदर मेहंदी को भिगो देते थे और बाल हमारे जो है जल्दी काले होने शुरू हो जाते थे। तो बस इसी तरीके से यही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा यूनिक होगा। इसके अंदर जो चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ वो देखिएगा अच्छे से, ध्यान से, और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए किसी भी एंगल में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ जो ले लिया है, मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली, इसे जो है आयरन की कढ़ाई भी कहते हैं। यहाँ जो है मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ आंवला पाउडर। आंवला पाउडर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये देख सकते हैं, इस तरीके का आंवले का पाउडर है। आप अगर ड्राई आंवला है आपके पास तो आप उसे जो अच्छे से उसको भिगो के जो है इसको सुखाओ के अच्छे से आप उसमें उसका पानी भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आंवला पाउडर ले रही हूँ। आपको पता है आंवला पाउडर में विटामिन सी काफ़ी अच्छा होता है, ये हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है। और विटामिन सी की वजह से होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल, एंटी एजिंग विटामिन्स होती है, जो नेचुरल तरीके से हमारे बालों को और हमारे स्कैल्प को जो क्लीन करता है, नेचुरल कंडीशनर करता है। तो यहाँ मैंने आंवला पाउडर ले लिया है, देख सकते हैं आप। और अब मैं साथ के साथ इसके अंदर हीना लूँगी मेहंदी। मेहंदी इसलिए लिया जा रहा है कि मेहंदी से जो है हमारे बालों को एक नेचुरल कलर आएगा। ये मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे, वो इस तरीके का काला लगता है जैसे कि आप लोगों को कि आपने कोई डाई किया हो, देख सकते हैं। यहाँ जो है मैं मेहंदी ले रही हूँ। मेहंदी हमें यहाँ जो लेनी है रोस्ट की हुई नहीं लेनी है, कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हम मेहंदी इसमें ले रहे हैं रोस्ट करा हुआ ले रहे हैं, तो हम यहाँ 2 से 3 चम्मच लेंगे। हम इसको जो ज़्यादा बना के इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा, इसे जो है रोस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, इसे जो हम इसे अच्छे से ऐसे, हाँ, आंवला पाउडर को आप रोस्ट कर सकते हैं, मेहंदी को बिल्कुल रोस्ट मत कीजिएगा।
तो ये मैंने इसको जो अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड करेंगे, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो बढ़िया है, मेरे पास ममा अर्थ का एलोवेरा जेल है, मैं वो ले रही हूँ। तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा अमाउंट में डालना होगा, जैसे कि 2 से 3 चम्मच, वाइटामिन ई की वजह से जो होता है कि हमारे स्कैल्प में जाके, हमारे जड़ों में जाके जो अच्छा सा एक वर्क करता है बहुत ही अच्छा, तो देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ना कोई पैराबिन है, ना सिलिकॉन ऐड है, ना कोई इसके अंदर जो एडिट कर रखा है कोई जो है कलर, और इससे क्या होगा कि हमारे बालों को एक अच्छा सा एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, सिल्कीनेस आ जाएगी। आप इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है। और हाँ, अब मैं जो नेक्स्ट चीज़ बताने वाली हूँ, अगर आपके पास, काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा था कि मैम हमारे पास ना काला कत्था नहीं है, तो काला कत्था ना हो गया, अगर आपके पास, जैसे मुझे भी अभी काफ़ी टाइम से काला कत्था नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे पास ब्राउन कत्था मुझे मिला है हर्बाटॉनिक का, और आप ये जो है इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच। बस आपको जो है ब्राउन कत्था भी अगर मिलता है तो आप उसे रोस्ट करके डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ रोस्ट नहीं कर रही, कलर एक बार आपको दिखा लेती हूँ मैं। इस तरीके का देख सकते हैं आप, कितना अच्छा सा एक ब्राउन सा कलर आ चुका रखा है इसमें। इसको बस आपको डायरेक्ट आपको आधा चम्मच इसके अंदर ऐड करना होगा, देखिए मैं इसको जो है आधा चम्मच ले लेती हूँ, और इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। ये रही, मैं इसके अंदर ब्राउन कत्था जो है ऐड कर रही हूँ, जैसे अब आप लोगों को रेड कलर का मिलता है या ब्राउन कलर का मिलता है तो आप वो ज़रूर ले लीजिएगा, अगर काला कत्था नहीं मिलता है तो। देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं लेने वाली हूँ वो अगर आपके नियर बाय स्टोर पे अगर मिलता है तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा एक नेचुरल तरीके का एक कलर आने वाला है आप लोगों के। देखिए यहाँ मैं लेने वाली हूँ एक खादी हर्बल मेहंदी, इस तरीके की अतुल्य की है, मैंने कभी पहले भी जो है वीडियो का इसको दिखाया था, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एक्चुअली ये मेरे अपना हम घर पे यूज़ करते हैं। इस किस तरीके से करते हैं, जैसे कि हम मेहंदी में इसको ऐड करके लगा देते हैं, हमारे बाल जो है नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाते हैं, और प्राकृतिक रूप से ये जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं करेगा। और इसके अंदर जो होते हैं ना ऐसे करके इस तरीके के ये पाउच आते हैं, और काफ़ी लोगों ने कहा हमें सूट नहीं करती, हमें कलर नहीं आता है, बट अगर आप इसे मेहंदी या किसी इंडिगो पाउडर में ऐड करके करेंगे तो देखिए रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। यहाँ देखिए ये है हमारा इस तरीके का, ये नेचुरल मेहंदी है, ये भी इसके अंदर ऐड करने वाली, आधा से एक चम्मच दीजिएगा, देखिए थोड़ी सी देर बाद कितना अच्छा सा काला रंग आना शुरू हो जाएगा। हमें डायरेक्ट पानी में इसको घोल के भी लगा सकते हैं, बट उसमें जो कलर इतना अच्छा नहीं आएगा, वो अजीब सा ब्लैक हो जाएगा। हमें बस इसके अंदर इसको मेहंदी में ऐड कर देना है, मेहंदी में ऐड करने के बाद तब आप देखिएगा कितना अच्छा कलर आएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, और हमें इसको जो है 15-20 से 20 मिनट के बाद इसको लगा सकते हैं, और इसको देखिए मैं इसको जो अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। बस इसको लगाने का प्रोसेस बहुत इजी है, अगर आपके नियर बाय स्टोर में मिलता है तो इसको जरूर इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक बार ज़रूर कीजिएगा, मेरे कहने पे भी सही एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपका। ऐसा नहीं है कि मेहंदी से लाल और ऑरेंज जो बाल हो जाते थे वो इससे नहीं होंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, और ये पानी जो है बिल्कुल गुनगुना नहीं है, ठंडा पानी है, क्योंकि अब समर स्टार्ट हो चुके हैं तो हमें गुनगुना पानी की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और अपना एक कलर दे देता है। देखिए इसे थोड़ी सी देर के लिए, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छा। तो ये मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया, हमें इसको ज़्यादा स्टिकी ऐसा नहीं बनाना, ना हमें ज़्यादा लिक्विड में बनाना है, थोड़ा सा अच्छा कंसिस्टेंसी है उसकी। आप इसके अंदर फिटकरी को या थोड़ा सा कपूर को भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा बालों में खुजली समस्या है, पसीना आता हो, स्मेल आती हो, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और आप इसके अंदर जो है कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी इसके अंदर कॉफी पाउडर भी ऐड करती हूँ, कॉफी पाउडर से जो एक अलग सा कलर आ जाता है, बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, बाल सिल्की एंड सॉफ्ट भी हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक कॉफी पाउडर भी डाल देती हूँ, कॉफी पाउच दिखाना चाहूंगी आपके पास। इसमें देखिए ये देखिए कॉफी है, अब मैं कॉफी इसके अंदर जो डाल रही हूँ, इस तरीके के काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें जो है 2 रुपए के पाउच में मिल जाता है आधा चम्मच के बराबर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद अब आप लोग खुद ही देखिएगा थोड़ा थोड़ा नीचे जो नीचे की तरफ जो है ब्लैकिश होना शुरू हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने ब्राउन कत्था जो ऐड किया है और साथ के साथ जिसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है, साथ के साथ इसमें आंवला पाउडर ऐड किया है, काफ़ी अच्छा जो है मिश्रण इस सब का बन चुका है, और ये धीरे धीरे ब्लैकिश होना शुरू हो गया है, देख सकते ये बन गया है हमारा।
देखिए अब ये जो हमारा बन के तैयार हो गया, अब हमें क्या करना है, अब आप देखिएगा किसी स्टील की कटोरी स्टील की प्लेट से हमें इसे कवर नहीं करना है, इस तरह की कोई भी स्टील की प्लेट से हमें जो है इसे कवर नहीं करना है, हमें क्या करना है किसी फॉयल पेपर से इसे जो है अच्छे से कवर कर लेना है। क्या होता है कि इससे एयर जो है पास नहीं होगा, हवा पास नहीं होगी, हवा क्रॉस नहीं होगी और इसके अंदर जो है कलर अच्छा बड़ा प्यारा सा एक कलर आ जाएगा। और ये फॉयल पेपर जो है सभी के घरों पे अवेलेबल होता है और मैं ज़्यादातर बहुत सारी वीडियोस में बना के और ऐसे लगा के दिखा चुकी हूँ। इस तरीके का आपको जो है फॉयल पेपर अच्छे से लगा लेना है। देखिए तो ये मैंने कवर कर लिया, तो चलिए मैं 5 से 10 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा इसका रिस्पॉन्स है। तो चलिए 10 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब चलिए हम जो है आप लोगों के सामने इसको ओपन करके दिखाते हैं और काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, मैंने जरा सा अभी देखा था थोड़ा सा। तो देखिए अब जो है थोड़ा सा इसमें जो है इसको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश जो है अपना ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही हम इसको अपने बालों पर लगा देंगे, बालों पर लगाते लगाते ही ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, एक नेचुरल कलर आना शुरू हो जाएगा जिसे जो है नेचुरल डाई के रूप में भी कहते हैं, पर ये केमिकल नहीं है कोई, इसके अंदर कोई ना डाई ऐड की गई है, ये जो है बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर देगा। तो देख सकते हैं आप धीरे धीरे, आप देख सकते हैं इस साइड में कितना काला होना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं बस इसी तरीके से ये ब्लैकिश होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ये। बस आपको इसी तरीके से इसको बनाना है और लगाना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे एक बार लगा के ज़रूर देखिएगा, वो भी आयरन की कढ़ाई में ज़रूर बनाइएगा, तभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। देख सकते देखा आपने, इसे बनाने का तरीका लगाने का तरीका बहुत आसान है, आप जो है कुछ ही मिनटों में बना के इसे लगा सकते और तब देखिएगा रिजल्ट आपके सामने। आप हेयर वॉश कर सकते हैं किसी भी हेयर जो, अगर आपके पास हर्बल शैम्पू है उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो भी आप ट्राई कर रहे हैं बस आपको 15 से 20 मिनट इसको लगाइएगा इस पैक को, और पैक को लगाने के बाद देखिए देन आप उसके क्या कीजिएगा अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद जो है देखिए आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट भी होंगे, आपके सिल्की तो होंगे साथ ही लॉन्ग भी होने शुरू हो जाएंगे, वॉल्यूम अच्छी हो जाएगी, ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी और बाल आपके जो है बहुत ज़्यादा शाइनी करने लग जाएंगे और सफ़ेद बालों की छुटकारा जो है सारी ज़िंदगी के लिए आपको ख़त्म हो जाएगा। बस आपको जो है मेहंदी पैक में जैसे मैं दिखाती हूँ इस पैक में इसको ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद तब देखिए आपके रिजल्ट आपके सामने हैं। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और कोई भी लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।